नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार आ गया हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में दोस्तों राशन कार्ड ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है, क्या क्या दस्तावेज इसमें लगने वाले हैं, सारा दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि और कहाँ से इसका ऑनलाइन करना है, किस वेबसाइट से ऑनलाइन करना है, सारा दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहना है और अभी तक आपने मिस्टर बिहारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। अगर दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार में जो है ऑनलाइन राशन कार्ड बनना जो है स्टार्ट हो चुका है। ये अभी दोस्तों वेबसाइट जो है अभी टेस्ट मोड में चल रहा है, लेकिन एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट टेस्ट मोड में है लेकिन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। किस प्रकार से दोस्तों आवेदन करना है आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलिए दोस्तों, किस प्रकार से आवेदन करना है और कहाँ से आवेदन करना है वो सारा इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए आपको जो है eps.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आ जाना है। आ जाने के बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक दिख रहा होगा, उसके सबसे नीचे में डेमो RCMS ऑनलाइन जो लिखा हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो टेस्ट वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो भी दोस्तों वेबसाइट है ये टेस्ट मोड में है, लेकिन यहाँ पर आप राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए अप्लाई एप्लीकेशन यूज़र पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल भी दिया गया किस प्रकार से आपका राशन कार्ड अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे राशन कार्ड ही अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नाम, एप्लीकेशन का हिंदी में नाम, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे अपना डिटेल जो है फिलअप कर देते हैं। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे OTP भेजा गया है, वो OTP यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे OTP डाल दिए हैं और वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है आपको अपना आधार नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और पासवर्ड और कैप्चर फिलअप करके फिर से यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको जो है यहाँ पे एक यूज़र आईडी मिल जाएगा। वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और पासवर्ड तो आपने यहाँ पे बना ही लिया है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद बैक टू लॉगिन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको यूज़र आईडी अभी मिला है उस पर यहाँ पे डाल करके और पासवर्ड डाल करके और यहाँ पे आपको कैप्चर फिलअप करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे दस्तावेज़ क्या क्या यहाँ पे देने हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ पे एक आधार कार्ड का आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी लगने वाला है, एक बैंक अकाउंट का आपको यहाँ पे लगने वाला है, एक आपका आवासीय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगने वाला है, एक आपका फैमिली के साथ ग्रुप फोटो, और अगर आपके पास विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे विकलांगता का भी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर विकलांग नहीं है तो आपको ये नहीं देना होगा। तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट, आवासीय, एक फ़ोटो और आपका आधार कार्ड, वो सारा यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की तो बात हो गई, अब किस तरह अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो अप्लाई का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं रूलर से आता हूँ तो रूलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना अनुमंडल डाल देना है, ब्लॉक डाल देना है, पंचायत और फिर ग्राम। चलिए हम लोग यहाँ पर सारा डिटेल जो है फिलअप कर लेते हैं अपना। उसके नीचे में राशन कार्ड के आवेदक का विवरण जो है यहाँ पे आपको डालना है, उनके पति का नाम या पति पिता का इंग्लिश में नाम डालना है। उसके बाद आवासीय के हिसाब से यहाँ पे आपको पूरा पता डालना है, आवासीय पता। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करना है, उम्र, वैवाहिक स्थिति यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कार्डधारी के संबंध भी यहाँ पे आपको डाल देना है कि आप कार्डधारी जो है वो संबंध क्या है। उसके बाद जाति भी यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय भी आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आय स्रोत, मासिक आय। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर फिलअप रहेगा। उसके बाद विकलांगता है, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में बैंक विवरण जो है वो डाल देना है, बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर। चलिए हम लोग यहाँ पे सारा डिटेल जो है फटाफट फिलअप कर लेते हैं। सारा डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर, यहाँ पे जो है आपको अपना राशन कार्ड के अन्य सदस्य का विवरण जो है वो ऐड करना है। उसका यहाँ पे आपको नाम, हिंदी में नाम, उसका पति या पिता का नाम, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, राशन कार्ड धारी के संबंध, आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर और व्यवसाय।
यहाँ पे आपको स्रोत डाल देना है कि उसके बाद मानसिक है, विकलांगता, अगर विकलांग है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद अगर और सारे मेंबर हैं तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और मेंबर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो जितना मेंबर है वो सारा यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मेंबर का सारा डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है और आपका मेंबर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास और सारे मेंबर हैं तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर से इससे भी दो गो से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे गो फॉर्म में जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे फैमिली का फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी अपलोड करना है, पासबुक का एक फ़ोटो कॉपी अपलोड करना है, और यहाँ पे जो है आपको एक अपना फैमिली के साथ पूरा फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का जो सर्टिफिकेट होगा विकलांग का वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे रिसीविंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण यहाँ पे मैं पूरा अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको पूरा A to Z आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो है राशन कार्ड ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भी अपना अपना अप्लाई कीजिए और बताइए आप लोगों का हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि राशन कार्ड जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है बनना, आप लोग भी अपना अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि A to Z प्रोसेस के किस प्रकार से राशन कार्ड अप्लाई किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।